हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है। मैं बताने वाला हूँ आपको स्मृति भ्रंश, जो खून का सप्लाई दिमाग में कम होने से होता है। क्या होता है कि काफ़ी लोगों को खून का दौरा जो दिमाग में आता है, मतलब ब्रेन का सप्लाई जो है खून का, वो कम हो जाता है। अब वो एकदम सडनली एकाएक बंद हो जाना खून का दौरा, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। मतलब कुछ सेकंड के लिए वो एकदम खून का दौरा कम हो जाना, वो जो ब्लड वेसल है, रक्तवाहिनी, जिसमें से खून बहता है, वो छोटी हो जाना, जिससे खून का दौरा कम हो जाता है और एक पर्टिकुलर पार्ट में खून पहुंचता नहीं है, ऑक्सीजन जाता नहीं है, और उसके वजह से वहाँ खून का दौरा, खून नहीं पहुँचने से या ऑक्सीजन नहीं पहुंचने से, वो जो पर्टिकुलर ब्रेन का हिस्सा है, भेजे का मस्तिष्क का हिस्सा है, वो कमज़ोर हो जाता है और वो काम नहीं करता। या फिर खून कम प्रमाण में दिमाग में जाना, रक्तवाहिनी जो रहती है खून, जिसे ब्लड वेसल्स जो है, वो अंदरून, उसका जो अंदर का हिस्सा जो रहता है वो कम हो जाता है, अंदर का जो आवरण है वो कम हो जाता है, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके वजह से ब्लड वेसल्स जो है दिमाग की, वो छोटी हो जाती है, आकुंचन कम हो जाती है वो, और उससे फिर खून दिमाग में कम पहुंचता है। तो भेजे का कुछ हिस्सा, मतलब ब्रेन का कुछ हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, काम नहीं करता। यदि बहुत बड़ा पार्ट यदि काम नहीं कर रहा है तो लको मारेगा। जैसा बायां हिस्सा यदि ब्रेन का कमज़ोर हो गया तो दाहिने हिस्से में लकवा मारेगा, पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब ऊपर का, मतलब एक हाथ और एक पैर पैरालिस हो जाएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। और थोड़ा सा हिस्सा यदि एकदम, मतलब सुई के नोक के ऊपर जितना माता है उतना हिस्सा यदि ब्रेन का कमज़ोर हो गया या उतना हिस्सा डैमेज हो गया और वो लेफ्ट साइड का हो गया, तो फिर बोलने में दिक्कत आती है। बोल सकता नहीं है व्यक्ति, समझ सकता नहीं है, अपन जो बात करते वो उसको समझ में नहीं आती, वो क्या बात करता है हमको समझ में नहीं आती, और फिर वो भय की बातें करते रहता है। फिर हमारे तरफ उसको लेके आते हैं कि भाई ये पागल हो गया। एक्चुअली वो पागल नहीं हो रहा था, उसको सब मालूम रहता है, मतलब क्या हो रहा है वो समझता नहीं है, मगर वो पागल नहीं है, वो बोलना चाहता है बातें, उसको समझता है मगर वो बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो बायां हिस्सा ब्रेन का जो है वो कमज़ोर होता है, उसको याद नहीं रहता, कभी कभी अच्छी बातें करता है, फिर कभी कभी बहकी बहकी बातें करता है, खाना खाया कि नहीं याद नहीं रहता, पिया कि नहीं याद नहीं रहता, पानी पिया कि नहीं याद नहीं रहता, टॉयलेट कहाँ जाना याद नहीं रहता, हाथ पैर में कमजोरी आती है, तो उसको बोलते हैं वैस्कुलर डिमेंशिया, मतलब वेसल्स जो है ब्लड वेसल्स वो छोटी होने से, दिमाग को ब्रेन का, मतलब ब्रेन को खून का सप्लाई नहीं होने से जो डिमेंशिया आता है उसके लक्षण ये, उसको बोलते हैं वैस्कुलर डिमेंशिया। उसके ऊपर काफ़ी सारी ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ हैं, मेडिकेशंस हैं। ये मैं इसलिए इसका डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में जो लोग आते हैं वो इसलिए उनको लाया जाता है कि ये बहकी बहकी बातें कर रहा, एक्चुअली वो बहकी बहकी बातें करता नहीं है, एक्चुअली वो पागल नहीं है, मतलब मेरे तरफ जो लाते कि पागल हो गए, इसको समझ नहीं रहा ये क्या बोल रहा, हमको समझता नहीं है और ये बहकी बातें करता है, पागल हो गया, वो पागल हुआ नहीं रहता है। एक्चुअली हम क्या बोलते हैं उसको समझ में नहीं आता, वो क्या बोलता है हमको समझ में नहीं आता, इसलिए वो ऐसा लगता है कि पागल हो गया। एक्चुअली उसका जो वर्निकेज एरिया जो है, जहाँ से हम बात, भेजे का जो हिस्सा है कि जहाँ से हम, मतलब जो एरिया बातचीत करने का जो कंट्रोल है जो एरिया में है, वो एरिया डैमेज होने से ऐसा होता है, या ब्रेन का अलग अलग हिस्सा यदि डैमेज हो गया वैस्कुलर डिमेंशिया में, तो फिर उसको भूलक्कड़पना आना, रास्ता भूलना और बाकी जो स्मृति भ्रंश के जो लक्षण हैं वो उसको होते रहते हैं। इसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ लेते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, मगर फ़र्क पड़ेगा ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है और ब्लड वेसल्स यदि बहुत डैमेज हो चुकी है, ब्रेन भी काफ़ी डैमेज हो चुका है उसके वजह से,
तो बहुत कम उम्मीद होती है कि वो अच्छा हो जाएगा। मगर तभी भी हम उसे, अभी काफ़ी सारी दवाइयाँ निकली है जिससे ब्लड का फ्लो मतलब खून का दौरा जो है वो बढ़ सकता है ब्रेन में। जो हिस्सा खराब हो चुका है उसको बाजू के हिस्से से यदि कवरअप कर लिया तो हो सकता है कि वो अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम उम्मीद छोड़ते नहीं, उसको फिर से बातचीत करना सिखाना, दवाइयाँ देना, उसकी नींद वगैरह अच्छी करना, खान पान अच्छा करना, ये सब करने से काफ़ी रिकवरी अच्छी हो सकती है और वो अच्छा जीवन जी सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके परिचय में ऐसे कोई लोग होंगे तो ज़रूर ये वीडियो उनको शेयर कीजिएगा ताकि वो उसका इलाज कर सके। आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।